आदा शर्मा, इनके पिता हैं एसएल शर्मा, माता साइला शर्मा। डेट ऑफ बर्थ 11 मई 1992 और 5 फीट 7 इंच की हाइट। नेटवर्थ है 14 करोड़ रुपए और इनकी पहली मूवी जो आई थी 1920 थी, जो कि 12 सितंबर 2008 7 करोड़ बजट और 15 करोड़ कलेक्शन के साथ थी, हिट रही थी। इसके बाद इनकी दूसरी मूवी जो आई थी फिर 12 अगस्त 2011 को 6 करोड़ बजट के साथ 3 करोड़ का कलेक्शन कर पाई और डिजास्टर हो गई। फिर इसके बाद इनकी मूवी आई थी हम है राही कार के 24 मई 2013 5 करोड़ बजट और 1 करोड़ का कुल कलेक्शन हुआ और मूवी डिजास्टर रही थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी हार्ट अटैक 31 जनवरी 2014 15 करोड़ का बजट 40 करोड़ का कलेक्शन और मूवी हिट रही थी। फिर इसके बाद आई थी इनकी मूवी हंसी तो फंसी 7 फरवरी 2014 20 करोड़ का बजट 64 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ और मूवी हिट हो गई। फिर इसके बाद जो इनकी मूवी आई थी सन ऑफ सत्यमूर्ति 9 अप्रैल 2015 40 करोड़ का बजट और 100 करोड़ का मूवी कलेक्शन किया, मूवी हिट रही। इसके बाद आई थी राणा विक्रमा 10 अप्रैल 2015 9 करोड़ का बजट 19 करोड़ का कलेक्शन मूवी ने किया और मूवी हिट रही। इसके बाद फिर आई थी इनकी मूवी सुब्रमण्यम फॉर सेल 24 सितंबर 2015 35 करोड़ का बजट और 34 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, मूवी फ्लॉप हो गई। फिर इसके बाद जो आई थी गरम 12 फरवरी 2016 को 9 करोड़ का बजट था और 12 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और मूवी एवरेज रही थी। फिर केशानंद 26 फरवरी 2016 को 1 करोड़ का बजट था और 12 करोड़ का कलेक्शन किया था, मूवी हिट रही थी। फिर आई थी इदू नम्मा आलू 27 मई 2016 7 करोड़ का बजट, मूवी ने 15 करोड़ का कलेक्शन किया और हिट रही। फिर इसके बाद आई थी कमांडो 2 द ब्लैक मनी ट्रेल 3 मार्च 2017 को 26 करोड़ का बजट था, मूवी ने 40 करोड़ कलेक्शन और एवरेज। चार्ली चैम्पलिन 2 25 जनवरी 2019 को आई 15 करोड़ का बजट 19 करोड़ का कलेक्शन किया और मूवी एवरेज रही थी। इसके बाद आई थी कल्कि 28 जून 2019 को 17 करोड़ बजट 21 करोड़ कलेक्शन, मूवी एवरेज रही। फिर इसके बाद आई थी इनकी मूवी बाईपास रोड 8 नवंबर 2019 17 करोड़ बजट 2 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और मूवी डिजास्टर चली गई। फिर आई थी इसके बाद इनकी मूवी कमांडो 3 29 नवंबर 2019 30 करोड़ बजट 41 करोड़ कलेक्शन किया मूवी ने और मूवी एवरेज रही। फिर आई थी इनकी मूवी सेल्फी 24 फरवरी 2023 100 करोड़ का बजट और 24 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई थी, ये मूवी डिजास्टर हो गई। फिर आई द केरला स्टोरी 5 मई 2023 को 20 करोड़ का बजट था मूवी का, 303 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद वस्टर द नक्सल स्टोरी 15 मार्च 2024 को 50 करोड़ का बजट पेंडिंग।